ठीक है, वॉइस एकदम क्लियर है, सब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रीमिंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, चैप्टर फोर है, लेक्चर फोर है, ठीक है। पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी ग्राम बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उसकी स्टेनिंग मेथड देखा था हमने, ग्राम का जो स्टेनिंग मेथड होता है कि किस तरीके से क्रिस्टल वॉलेट डाला जाता है, तो क्रिस्टल वॉलेट से कलर हो जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। कलर होने के बाद क्या होता है कि कुछ को जो है एल्कोहल से वॉशिंग की जाती है, तो एल्कोहल से वॉशिंग करने के बाद कुछ स्टे रहते हैं, स्टे का इंतजार मतलब रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट रहते हैं, कुछ में कलर छूट जाते हैं, वही होली वाला सिस्टम। कुछ लोगों के कलर नहीं चढ़ता, तो जैसे ही ऑयल लगा के गए तो क्या हुआ कि जैसे अपन आए आके नहाए तो उनको कलर छूट गया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो ऑयल लगा के नहीं गए तो उनको कलर ऐसे ही है, ठीक है, एल्कोहल वॉशिंग से भी नहीं हुआ। तो ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव। दूसरे कौन से होते हैं, कलरलेस होते हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ है ना, सेफ्रानिन डाई होती है पिंक कलर की, उससे जो है उनको डाई किया जाता है, कलर किया जाता है, पिंक कलर के हो जाते हैं, तो वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक बात हुई, अब अपन बात करते हैं उससे आगे राइबोसोम के बारे में, ठीक है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम सेल बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने क्या रखा है, ये आरएनए साइटोप्लाज्म में है, स्मॉल यूनिट हो गई, इसकी कैपिटल यूनिट हो गई या बड़ी यूनिट हो गई, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, जो अटैच्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। पहले कौन से हैं, एक ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। दिस इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये होगी सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन अटैच्ड राइबोसोम हो गए, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन अटैच्ड राइबोसोम हो गए। यहाँ तक क्लियर है, हमने ये बात की है प्रोकैरियोट की, ठीक है। अभी प्रोकैरियोट की बात चल रही है, कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो प्रोकैरियोट में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोट में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो दो यूनिट में डिवाइड रहता है। जो बड़ी यूनिट होती है वो 50S हो गई, यानी कि लार्जर यूनिट, दोनों को मिला के कितना, 70S, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, राइबोसोम में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ये जो है दो यूनिट से मिलके बना होता है, बड़ी यूनिट जो होती है उसको 50S, छोटी यूनिट को 30S कहा जाता है, ठीक है। एस जो है वो क्या है, शेड वर्ग, शेड वर्ग, ये साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम से ही दिया गया है, और इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है, या फिर इसको शेड वर्ग, ठीक है। ये जो है ये इनडायरेक्टली मेजर करता है किसको, इसके साइज एंड डेंसिटी को, ठीक है, ये राइबोसोम के साइज और डेंसिटी को इनडायरेक्टली मेजर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 30S है तो इसकी 30 की स्पीड हो गई, 50S है तो इसकी 50 की स्पीड हो गई, ठीक है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी से सेडिमेंट हो जाएगा, भाई जल्दी से जाएगा ना नीचे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिया एक दूध का गिलास, अब हमने क्या किया इसमें, अरे ये पेंसिल को क्या हो गया, ठीक है, नहीं कर रही, इसको भी अभी दिक्कत, काम तो कर रही है, इतना लेट काम कर रही है, ठीक है। ये दूध का गिलास लिया, हमने इसमें क्या डाला, ऑलमंड डाला, ठीक है। तो ऑलमंड क्या होता है, कुछ महीन दाने होते हैं, कुछ मोटे दाने होते हैं, तो जो महीन दाने होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, भाई साइज़ में छोटे हैं ना तो ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, उनकी स्पीड भी कम होगा,
लेकिन जो नीचे बैठते हैं वो कौन से होते हैं? बड़े वाले होते हैं, जैसे मोटे दाने होते हैं ना बादाम के, पिसे हुए में मोटे दाने, वो क्या करेंगे, जल्दी से नीचे जाकर तलहटी में बैठ जाएंगे। कुछ मीडियम रहेंगे जो मीडियम में तैरते रहेंगे। तो डिपेंड करता है उसके वेट के ऊपर या उसके साइज़ के ऊपर, ठीक है, वेट के ऊपर। ठीक है, क्या होगा, जैसे उसका वेट ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा होगी, नीचे जल्दी जाके बैठ जाएगा, वेट कम होगा, ऊपर तैरता रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से ये होता है। तो जो सेडिमेंटेशन कोफिशेंट है ये क्या है, किस टर्म में? तो मीज़र किया जाता है वेलोसिटी के टर्म में, वेग के टर्म में मीज़र किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो एक नोट डाल लेते हैं, आज के लेक्चर में थोड़ी ज़्यादा नोट रहेंगी, ठीक है। तो नोट में जो भारी भाग होगा, चलो हिंदी में, जो भारी भाग रहेगा, ठीक है, उसकी एस वैल्यू ज़्यादा, जो भारी भाग रहेगा उसकी एस वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अब एस वैल्यू ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, हमने बोला था ना वेलोसिटी के टर्म में मीज़र करेंगे या वेग के टर्म में मीज़र करेंगे, तो एस वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो क्या है, नीचे बैठेगा भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा के नीचे मतलब जल्दी। तो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन फास्ट टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो जल्दी से नीचे बैठ जाएगा, उसे कोई मतलब ही नहीं है, बस मुझे तो रेस्ट करना है, जाहिर सी बात है भाई। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई 40 किलो का बंदा है, कोई 80 किलो का बंदा है, तो 40 किलो वाला तो आराम से एकदम फुर्तीला ये वो इधर उधर डोलता रहेगा, 80 वाला थोड़ा सा इधर उधर डोला और थोड़ा थक गया, तो वो उसे बैठने को चाहिए जल्दी से, तो वो जल्दी बैठेगा कंपेरेटिवली टू 40 वाले, ठीक है, एक जनरल वे में। तो चलिए आगे देखते हैं अगला नोट, बिना टाइम देखते हैं, आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, लाइट वगैरह की वजह से इंटरनेट वगैरह का दिक्कत था, ठीक है। और हम थोड़ा सा जल्दी फास्ट करेंगे, और हमने मोनेटाइजेशन भी बंद कर दिया है, जिससे कि क्या आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह बीच में नहीं आए, ठीक है, क्योंकि क्लास इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट से बार बार इंटरप्ट होती है। आगे देखते हैं नोट, डीएनए से क्या बनता है, पूरा लिखना पड़ेगा क्या शॉर्ट हो रहा है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, कौन सा, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। ये आगे अपन जेनेटिक वाले में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एमआरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और ये जो होता है वो पहला ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, अनुलेखन और अनुवादन। तो ये कौन सा हो गया, अनुवादन, और ये कौन सा हो गया, अनुलेखन। एमआरएनए कौन सा, सिंगल, ठीक है ना, प्रोटीन हो गई। आगे देखते हैं एमआरएनए, एमआरएनए से ये, इस पे क्या है, ढेर सारे राइबोसोम लग रहे हैं, ये बड़ा पार्ट है, छोटा पार्ट, ठीक है, बड़ा छोटा बराबर सा बन गया, ये सही है ऐसे, ठीक है, इसे क्लियर रहेगा देखने में, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ढेर सारे कनेक्ट होते हैं। एमआरएनए कौन सा होता है, सिंगल होता है, ठीक है। तो क्या मैनी राइबोसोम, मैनी राइबोसोम बन आ गया ऑन एमआरएनए, मतलब एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम हो जाते हैं, लग जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉली राइबोसोम, पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम, हिंदी इंग्लिश सब एक जैसा होता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता, ठीक है, पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद अपन आगे आते हैं यूकैरियोटिक सेल पर। कलर चेंज कर लेते हैं, नया टॉपिक आ गया, बड़ा टॉपिक आ गया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बीच में डिस्कनेक्ट हो गई एक बार, मैं देखता हूँ, हाँ बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी एक बार, पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है भाई ये। चलिए कोई ना, इंटरप्शन के लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं हम आपसे, ठीक है। प्रोटिस्टम कहाँ से इंटरप्ट हुआ था मुझे तो पता भी नहीं, चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, मैं फिर से मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है। इंटरप्शन हुआ है, मुझे पता भी नहीं है कहाँ से इंटरप्ट हुआ था ये।
एक बार फिर से समझ लेते हैं हम इसको। आई थिंक हम नोट से देख लेते हैं, यहाँ तक मुझे लगता है इससे पहले तक तो क्लियर था। ठीक है, नोट से देख लेते हैं अपन। नोट, ठीक है, नोट में अपने बात की थी डीएनए, डीएनए से क्या बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है प्रोटीन, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उसको कहा जाता है अनुलेखन, आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको बोला जाता है अनुवादन। ठीक है, आगे अपन जेनेटिक्स वाला चैप्टर उसमें पूरा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सारा दे रखा है पूरा एकदम डीप में, वहाँ पर हम देखेंगे। फिलहाल अपन आउटलाइन देख लेते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं एमआरएनए की। एमआरएनए क्या है, ये सिंगल है, एक सिंगल एमआरएनए से ढेर सारे क्या लग रहे हैं, एक मिनट, एक एमआरएनए से ढेर सारे क्या लग रहे हैं, राइबोसोम लग रहे हैं, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा। ठीक है, ये बड़ा ये छोटा। ठीक है, इस तरीके से ये लग रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, मैनी राइबोसोम ऑन एमआरएनए। ठीक है, मैनी राइबोसोम ऑफ एमआरएनए। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम, पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपन आते हैं नए टॉपिक पे, रेड कलर से लिखा था आई थिंक हमने पहले, है ना, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, पता नहीं कैसा बना। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल ये किस में पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो पाई जाती है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये किस में पाई जाती है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, या फिर प्लांट या एनिमेलिया अगर आप ग्रुपिंग के थ्रू याद करो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखी है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, टर्म कौन सी दे रखी है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, आई थिंक ऐसे ही है, मेंटलाइजेशन। ठीक है, टर्म क्या दे रखी है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये टर्म दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है, चीज़ों का कंपार्ट में होना। प्रोकैरियोटिक सेल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में तो कंपार्ट में होती है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन होती है सभी की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बनाया हमने न्यूक्लियस, ये एक और लेयर बनाई इसकी हमने, उसके ऊपर अंदर वाली कहाँ गई, आ गई, अरे यार सही नहीं बनी, वेट अ मिनट, ये सब गड़बड़ हो रहा है ये पेंसिल मिटरने की वजह से। ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ा है, हम इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा कट मारा, यहाँ से थोड़ा कट मारा, और यहाँ से ऊपर वाली लेयर में कट मारेंगे, नीचे वाली में लेयर में कट नहीं मारेंगे, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने किया ये, ये हमने किया ये, ये हमने किया ये, ये हमने किया ये, और यहाँ से क्या बनेंगे ये। ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है, ठीक है, यहाँ हमने जैसे ये बना ली लाइसोसोम, और भी कई ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स सॉरी। ठीक है, तो कंपार्टमेंट हो गए ना, एक ये हो गया, जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, अलग अलग हिस्सों में पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक कंपार्टमेंट ग्रुप में, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये लाइसोसोम, ये लाइसोसोम हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो अलग अलग कंपार्टमेंट में पाए जाने, इसको बोला जाता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, कंपार्टमेंट होना, कम पार्ट, इतना बड़ा सेंटेंस मैंने आज तक पहली बार ही बोला है,
आई मीन बहुत बड़ा हो गया भाई कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट किन में होती है, प्रेजेंट किन में होती है, यूकेरियोटिक में, और एब्सेंट किन में होती है, प्रोकैरियोट में। क्योंकि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन युक्त तो कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मेम्ब्रेन युक्त तो कोशिकांग नहीं पाए जा रहे हैं तो उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन का कुछ मतलब है ही नहीं, सारा कुछ रफली हो रहा है कि बस हाँ रैंडम चल रहा है ऐसे ही, ठीक है। ये भी है, वो भी है, वो भी है, सब ऐसे ही बीच में फैला पड़ा। इवन क्रोमोसोम भी ट्रू नहीं होता, ठीक है। हमने बात की ना ट्रू क्रोमोसोम के लिए चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन थ्री है, आरएनए होना चाहिए, ठीक है, डीएनए होना चाहिए, स्टोन प्रोटीन होनी चाहिए, नॉन स्टोन प्रोटीन होनी चाहिए, एक्सेट्रा, ये सारी। लेकिन इसमें स्टोन प्रोटीन पाई नहीं जाती प्रोकैरियोटिक में, तो इवन क्रोमोसोम तक ट्रू नहीं होता इसमें, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, ठीक है, और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी आता है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी का मतलब फ्लैजिला, सिलिया, फ्लैजिला जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें, ठीक है। फ्लैजिला उसमें भी थे प्रोकैरियोट में, लेकिन इसमें क्या कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसमें जो है सिलिया पाए जाते हैं, एंड साइको स्केलेटन स्ट्रक्चर जो होती है वो आगे अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चलें, जो जो दे रहेगा उस हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे। तो साइटो स्केलेटन स्ट्रक्चर उसमें क्या देखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट। यार पता भी नहीं पड़ रहा कहाँ तक लेकर पहुँच रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, ये साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। और ये जो होती है यूकेरियोट में प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली भाई इतनी जो एडवांस स्ट्रक्चर हैं वो यूकेरियोटिक में नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, तो प्रेजेंट इन यूकेरियोट और एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी को दर्द वगैरह कुछ बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक बार थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल नॉट आइडेंटिकल, सारी यूकैरियोटिक सेल सेम नहीं है भाई, प्रोकैरियोटिक भी जो होती हैं वो भी स्ट्रक्चर वगैरह के बेसिस पर अलग अलग होती हैं, स्पाइरल हो गई, ठीक है, बेसिलस, विब्रियो, तो इसी तरीके से यूकेरेटिक भी जो होती हैं वो सेम नहीं होती। अगर अपन दोनों की बात करें प्लांट और एनिमल की, प्लांट सेल और ये एनिमल सेल, ठीक है, ये होगी प्लांट सेल और ये होगी एनिमल सेल। तो अगर हम इसमें बात करें सेल वॉल की, पहला पॉइंट क्या है, सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है प्लांट में प्रेजेंट रहेगी लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट रहेगी, ठीक है। सभी को पता है सेल वॉल जो है वो प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है, नॉट एनिमल्स, एनिमल्स में पाई भी नहीं जाती, ठीक है। दूसरी बात करते हैं प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, अरे क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में प्रेजेंट, सॉरी प्लांट्स में प्रेजेंट, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल या बड़ी जो है केंद्रीय रिक्तिका, हिंदी में लिख लेता हूँ, बड़ी रिक्तिका, ठीक है, ये जो होती है प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यूकेरियोटिक सेल है दोनों में, लेकिन दोनों में सेम नहीं है। अगला सेंट्रियोल, जो कि सेंट्रोसोम का पार्ट है, या सेंट्रोसोम नहीं कह सकते हो डायरेक्टली, तो प्लांट्स में जो होती है वो एब्सेंट होती है और एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट्स में एल्गी जो होता है उसमें होती है। यहाँ तक किसी को कुछ समस्या, चलिए आगे अपन बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो इसकी खोज कब हुई थी,
अगर हम इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खोज में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कब हुई थी 1950, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कब हुई थी 1950 में। इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से इजी हो गई, क्या इजी करना, ठीक है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई 1950 में, उसके बाद क्या हुआ, स्टडी करना इजी हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या फिर किसी की, हम सेल के अंदर भी बहुत अच्छे से झांक के देख सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अपन बात करते हैं अब इसकी केमिकल स्टडी की। केमिकल स्टडी फर्स्ट टाइम इसमें हुई थी, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम किसमें हुई थी, आरबीसी में, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां तक क्लियर है। हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिलीज या कोशिकांग जो हैं वो एब्सेंट हैं, ऑर्गेनिली एब्सेंट, जो है इसमें एब्सेंट है, हमने इसलिए इसको लिया। तो ये किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो चीजों से मिलके बनी होती है मेनली। पहला कौन सा होता है, दूसरा होता है प्रोटीन। पहला क्या होता है, लिपिड, दूसरा क्या होता है, प्रोटीन होता है। लिपिड जो होता है इसको लिक्विड नहीं, प्रोटीन जो होता है वो इसको सॉलिड नेचर देता है, लिपिड जो होता है वो उसको लिक्विड नेचर देगा, प्रोटीन जो है उसको सॉलिड नेचर देता है। लिपिड लिक्विड नेचर क्यों देता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के कारण, भाई सेचुरेटेड फैटी एसिड यानी संतृप्त वसी अम्ल रहेगा तो वो सॉलिड रहेगा, लेकिन असंतृप्त वसी अम्ल रहेगा वो लिक्विड नेचर में रहेगा। तो लिपिड को लिक्विड नेचर कौन देता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब ये कितनी, दो डिफरेंट चीज़ों से मिलके बना है। अब दो डिफरेंट चीज़ों से मिलके अगर कोई चीज़ बनती है तो उसको क्या कहते हैं, मोजैक, आलू बैंगन, तो आलू और बैंगन दो चीज़ों से मिलके बने हैं तो ये क्या है, मोजैक हो गए। मोजैक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, यानी कि ये दो चीजों से मिलकर के बने हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेमी फ्लूइड या फिर क्वासी सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड, ठीक है, ये इसका नेचर होता है। और जो फ्लूडिटी जो होती है यानी कि तरलता, हमने बात की लिपिड की वजह से होती है, एसिड पाए जा रहे हैं ना, तो लिपिड जो होता है उसकी फ्लूडिटी, फ्लूडिटी, अरे फ्लूडिटी, हाँ सॉरी, फ्लूडिटी जो होती है या तरलता जो होती है वो लिपिड के कारण होती है, ठीक है। लिपिड को हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, फिलहाल सेल से। अगर हम इसकी बायोकेमिकल जैव रासायनिक अगर इसकी स्टडी करें, अगर हम इसकी जैव रासायनिक स्टडी करते हैं किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये क्या, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि सी से मिलके बनी होती है। तो चलिए नोट डालते हैं हम अभी, आरबीसी में बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या होता है या फिर कितना होता है। तो आरबीसी का बायोकेमिकल कंपोजिशन जो होता है 52%, 40% क्या होता है इसमें, लिक्विड होता है और बचा
जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अरे भाई, आरबीसी की बायोकेमिकल स्टडी अगर की जाए तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होती है, 40% लिक्विड होता है और सॉरी लिपिड होता है और 8% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला नोट फिर डालते हैं हम। ऑफ लिक्विड एंड प्रोटीन ये क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है। अलग अलग मेम्ब्रेन में अलग अलग होता है। जैसे कि हम आरबीसी का कंपोनेंट देखा हमने 52, अब एक जैसा नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग, गॉल्जी बॉडी का अलग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग, सभी का अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी का जो है वो सेम है। कंपोजिशन जो रहता है लिक्विड एंड प्रोटीन का वो सभी सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंट रहता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए अगला टॉपिक डालते हैं अपन, लिपिड, ठीक है। अगला टॉपिक अपन क्या डालते हैं? लिपिड। लिपिड के लिए अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अरे ये स्ट्रक्चर क्यों मिट गई? ठीक है, ये हो गई लिपिड के लिए। हम एक बार डिस्क्राइब करते हैं, ये जो होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म। इसके बाहर क्या रहेगा? सेल वॉल। तो ये आउटर वाला पार्ट हो गया और ये इनर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। एक जो है वो आउटर वाला पार्ट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? इनर वाला पार्ट हो गया। अब इसमें क्या है? लिपिड अरेंज्ड रहते हैं, एक गोला दो गोला। देखो हम गोल करने में ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा टाइम लेता है वो, है ना, कुछ पल्स का। उसको छोड़ते हैं, अपन डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक है। ये लिपिड पार्टिकल हो गए, इनके क्या होते हैं? टांगे। अरे बोले लिपिड के तो सर और पैर होते हैं। बोले हाँ बिल्कुल, लिपिड के सर और पैर होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाएगा? हेड। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाएगा? हेड और टेल से मिलके क्या बना होता है? लिपिड बना होता है, ठीक है। बाहर कौन से होते हैं? वाटर पार्टिकल। वाटर पार्टिकल इसमें बिफरे रहते हैं, अंदर बाहर रहेंगे ना वाटर पार्टिकल। तो भाई क्या समस्या हो रही है अब इसकी? ये और मतलब बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे यार। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मेहनत मैं फिर से कर लूँगा, कोई इशू नहीं है मुझे। ज़्यादा मेहनत होती दिक्कत होती क्योंकि टाइम लगता। ठीक है, ये वाटर पार्टिकल्स हो गए, इसमें सेल हो गई। अपन इसमें मार्किंग कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। हम इसको मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग क्योंकि हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर ली, ये इनर लेयर हो गई, ये इनर लेयर हो गई और ये आउटर लेयर हो गई, ठीक है। एक इनर लेयर हो गई, एक आउटर लेयर हो गई। ये वाला जो पार्ट है ये क्या? लिपिड है। हेड एंड टेल से मिला के क्या बनता है? लिपिड बनता है, ठीक है। तो ये कितनी लेयर में होता है? तो ये होता है बाई लेयर में, ठीक है। आप बना लेना डायग्राम, और बहुत शॉर्ट नोट है भाई, इससे ज़्यादा शॉर्ट नोट आपको नहीं मिल सकते जो आपको लास्ट तक हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो नोट्स हैं इसके, हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। बाई लेयर ऑफ लिपिड, ठीक है। लिपिड जो होता है वो दो लेयर में होता है। पहली लेयर कौन सी होगी? ये होगी। दूसरी लेयर ये हो गई, ठीक है। दोनों लेयर क्लियर है, ठीक है। और दूसरा कॉमन लिपिड जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। सामान्य वसा कौन सी होती है?
फॉस्फोलिपिड, ठीक है। सामान्य भाषा कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड होती है। हेड जो होता है, ऊपर ही लिख लेते हैं, जगह है क्या, ठीक है, जगह है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इससे दिक्कत नहीं है। हेड जो होता है वो पोलर होता है। हेड जो होता है वो क्या होता है? पोलर होता है। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल स्नेही। केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही, इसमें होता है पोलर होता है, यानी कि जल स्नेही होता है ये, ठीक है। और ये क्या, आउटर साइड में रहता है। अरे भाई ये आउटर साइड में है ना, इधर भी आउटर साइड में है। बाहर का मतलब इधर ही बाहर नहीं होता, मतलब ये बाहर की साइड में है। बीच में जो फंस रहे वो क्या है? टेल फंस रही है। टेल, टेल जो होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी कि यार हिंदी में याद नहीं आ रहा, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, मैं देख के बताऊंगा बाद में, है ना, हाइड्रोफोबिक यानी कि जल से डरते हैं, ठीक है। तो एक हो गया जल स्नेही और दूसरा जल विरोधी कर लो, है ना, जल विरोधी। नाभिक स्नेही एंड सॉरी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, क्या मैं केमिस्ट्री में घुस गया, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। ये किससे बने होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं। टेल किससे बनी होती है? सैचुरेटेड, यानी कि सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि संतृप्त वसा, वशी अम्ल, है ना, संतृप्त वशी अम्ल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव की बात की जाए कि किस दिशा में होते हैं, तो इनर साइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम H2O या फिर एक्वस एनवायरनमेंट, मतलब भीतर की तरफ रहते हैं ना इनर साइड में, तो जल से जो है इसकी सुरक्षा भी करते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसको डर लगता है पानी से, तो ये अंदर की साइड में होते हैं, तो इसे क्या है, कोई टेंशन नहीं होती कि कोई दिक्कत नहीं भाई, तो भीतर रहे, बाकी के बाहर की चीज़ें मैं संभाल लूँगा। तो बाहर की साइड में जो रहते हैं वो जल स्नेही पार्ट रहता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं मूवमेंट, इसकी गति मैंने लिखा था ना 1, 2, 3, 4, वो इसीलिए लिखा था मूवमेंट। तो अगर लिपिड एक्सचेंज कर रहा है, किस में एक्सचेंज कर रहा है, 1 to 2 में या फिर 3 to 4 में, उसको क्या कहेंगे? अगर लिपिड चेंज कर रहा है किस में, 1 से 2, 1 से 2 या फिर 3 to 4, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? लेटरल मूवमेंट। ठीक है, अगर लिपिड 1 से 2 या फिर 3 से 4, मतलब अपनी लेयर में अगर वो अगल बगल में एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको लेटरल कहा जाएगा, पार्श्वीय, ठीक है, पार्श्वीय मूवमेंट। अगर लिपिड एक्सचेंज कर रहा है किसमें, 3 to 4 में, तो उसको क्या कहेंगे? फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। तो लेटरल मूवमेंट जो होता है वो नॉर्मली होता है, जनरली होता है, मतलब सामान्यतः यही होता है, मोस्टली यही होता है। और फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो रेयर होता है। अरे भाई अगर 1 से 2 मूव कर रहा है या 3 to 4 मूव कर रहा है, तो लेटरल मूवमेंट है, ये जनरली पाया जा रहा है भाई अगल बगल के घरों में, ठीक है, बच्चे अगल बगल के घरों में इजीली चले जाते हैं। और अगर 3 to 1 जाना है, 2 to 4 जाना है, अरे मैंने क्या लिखा यार, मैंने आई थिंक गलत लिख दिया, 3 to 1 या 2 to 4, ठीक है। अगर जैसे कि बच्चे को अगर रोड क्रॉस करके जाना है, तो बहुत खतरनाक है ना ये, तो रेयरली होगा, अगल बगल में तो अगल बगल की छतों में आराम से चले जाएंगे, एंजॉय करेंगे, शाम को घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है ना, है ना।
तो ये जो होता है वो रेयरली होता है फ्लिप फ्लॉप वाला, और जो लेटरल मूवमेंट होता है वो जनरली होता है, ठीक है, मोस्टली यही पाया जाता है। अभी अपन बात कर लेते हैं प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन बना लेते हैं, पहले अपन बनाते हैं लिपिड, उसके बाद बनाएंगे अपन ये प्रोटीन। ज़्यादा अजीब बना दी मैंने, इतना नहीं बनाना चाहिए मुझे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगी चाहिए उसकी इज्जत का भी, है ना। उसके बाद मैंने फिर ये बनाया, उसके बाद मैंने फिर ये बनाया, उसके बाद मैंने फिर ये बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लंबा ले गया, ये उसके बाद मैं एक और लंबा ले गया, उसके बाद फिर से सेम, ये मैं अलग कलर के बनाता हूँ क्योंकि मैं ये कुछ और बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर ये सेम नीचे रहेगा, ठीक है, सेम नीचे रहेगा, प्रोटीन का नामकरण कर देता हूँ मैं एक बार, वन, यार ये प्रोटीन तो रह गई, आउटर साइड की प्रोटीन है, ये हो गए टू, ये हो गए थ्री, और ये जो है वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये जो है वो अलग दिख रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम इस पे लगा देते हैं प्रोटीन, जैसे कि मैंने इस पे लगा दी प्रोटीन, मैंने इस पे लगा दी प्रोटीन, ठीक है, मैंने इस पे लगा दी प्रोटीन, ठीक है, इस पे भी लगा देते हैं प्रोटीन। अब इनके नाम देख लेते हैं, प्रोटीन प्लस, मैंने क्या लगाया, प्रोटीन लगाई क्या, सॉरी कार्बोहाइड्रेट लगाना भाई, आई एम सॉरी, कार्बोहाइड्रेट लगाया मैंने, ये कार्बोहाइड्रेट लगाया, शुगर, ये शुगर लगाई, ये शुगर लगाई और ये शुगर लगाई, ठीक है। तो प्रोटीन प्लस शुगर मिलके ये क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, और प्रोटीन मिलके क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लूकोज या फिर शुगर और लिपिड मिलके क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ठीक है। अगर प्रोटीन के टाइप की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन, किस बेसिस पर है ये कि आसानी से किसको बाहर निकाला जा सकता है, तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, बेसिस ऑन, ठीक है, तो ईज ऑन एक्सट्रैक्शन मतलब किसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, उसके बेसिस पर इनको दो भागों में बांटा गया, टू टाइप की होती हैं, ठीक है। ये इंटीग्रल हो गई, ये बाहरी हो गई, पेरिफेरल या फिर एक्सटर्नल। तो पहले अपन बात कर लेते हैं इंटीग्रल की, इंटीग्रल प्रोटीन, पहले नंबर की प्रोटीन, ये वाली, ये वाली पहले नंबर की प्रोटीन कौन सी, इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर इसको क्या कहा जाएगा, इंटरनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंटरनल प्रोटीन कहा जाएगा, ठीक है। ये कितना परसेंट होती है, ये होती है टोटल का 70%, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, पेरिफेरल, दूसरी कौन सी होती है, पेरिफेरल, या फिर इसको एक्सटर्नल भी कहा जाता है, बाहरी है, बाहर की साथ में साइड में है ना, या फिर इसको एक्सटर्नल प्रोटीन भी कहा जाता है, या फिर इसको क्या करें, नहीं, या फिर नहीं, ये कितना परसेंट होती है, ये होती है 30%, हिंदी में ही हो जाएगा, बाहरी है और पेरिफेरल, ठीक है। इसका कितना है परसेंट होता है, 30%। तीसरा कौन सा है, फर्स्ट का पार्ट है, ये होता है इंटीग्रल प्रोटीन, अगेन इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, अगेन इंटीग्रल प्रोटीन, इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी, क्योंकि पूरी दोनों लेयर की आर पार है ना, पूरी मेम्ब्रेन की आर पार है ये, पूरी मेम्ब्रेन इधर और इधर, पूरी मेम्ब्रेन है ये,
पूरी मेम्ब्रेन के आर पार आई है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। पहले नंबर की जो होती है, पहले या थर्ड जो भी, इसको निकालना डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू रिमूव, ठीक है। इसको निकालना इजी होता है, इजी टू रिमूव, बाहर की साइड में होती है ना, पकड़ के निकाल दो, खींच दो बाहर, ठीक है। तो ये जो होती है इसको निकालना इजी होता है क्योंकि ये बाहर की साइड में होती है। अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन के कुछ पॉइंट्स की बात की जाए तो ये दोनों लेयर को, टू लेयर्स को ऑक्यूपाई करती है, दोनों लेयर्स को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। यानी कि क्रॉस बाई लेयर, क्रॉस बाई लेयर, ठीक है। और ये कंप्लीटली बरीड होती है, ब्यूरीड, कंप्लीटली ब्यूरीड होती है, ठीक है। और पहले वाली जो होती है वो पार्शियली ब्यूरीड होती है, पहली वाली पार्शियली ब्यूरीड होती है, ठीक है। और पहली वाली जो होती है वो वन लेयर में, ठीक है, पहली वाली वन लेयर ऑक्यूपाई करती है, भाई वन लेयर ही कर रही है ना ऑक्यूपाई, ये वन लेयर रह गई है, ये दूसरी लेयर हो गई, ये वाली दोनों लेयर को कर रही है, ठीक है। ये तो बाहरी, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। नोट डाल लेते हैं और हमारी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं आज के लिए, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, ये लिविंग में होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, ट्रांसपोर्ट अपन अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक घंटे का लेक्चर हो गया है, फिलहाल के लिए इतना ही, और ठीक है। और दूसरी बात कुछ आपके लिए बता दें कि अभी हमारा बॉटनी का सेशन चल रहा है, सेल मुश्किल से आई थिंक 3 से 4 दिन का और रह गया है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सेल डिवीजन वगैरह वो चलेगा। एंड दूसरा अपन टाइम टेबल देख लेते हैं कि जो बॉटनी है उसका टाइम डेली रहेगा 8 PM, कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा अभी माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हो नहीं पा रहा है, पता नहीं कैसे क्या, कभी नेट की कनेक्टिविटी, कभी इधर उधर जाना होना या जो भी है ना। फिजिकल केमिस्ट्री इसकी थर्सडे टू सैटरडे, एंड जूलॉजी जो रहेगी वो मंडे टू ट्यूजडे, सॉरी वेंसडे, मंडे टू वेंसडे जूलॉजी रहेगी, ठीक है। संडे जो रहेगा उसको अपना लाइव इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है। लाइव इंडक्शन जो रहने वाला है वो वाइट बोर्ड है उस पर रहेगा, ठीक है, विद फेस रहेगा, इसमें वीडियो में नहीं हो पा रहा है अभी, मैंने बात की है कुछ लोगों से, देखो कैसे कनेक्टिविटी हो पाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ रहा करेगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ठीक लगेगा, इंटरेक्शन अच्छा से हो पाएगा बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये हमारा वो रहने वाला है बॉटनी का, 8 PM रहेगा डेली, है ना, और संडे को नहीं रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, तो शुरू के 3 दिन जूलॉजी चलेगी और लास्ट के 3 दिन फिजिकल केमिस्ट्री, और संडे के दिन लाइव इंटरेक्शन रहेगा हमारा, ठीक है, बच्चों के साथ कनेक्टिविटी रहेगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे अपन मिलते हैं फिर कल, थैंक यू।